ये बात तो सब जानते हैं कि भारत प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है और इन पुरातन सभ्यताओं के चिन्ह कई स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि भारत में सभ्यताओं की बसावट के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण प्रमाण कासगंज में मिलते हैं। इतिहास के इन्हीं पन्नों में एक पन्ना कासगंज के अतरंजी खेड़ा का भी है। यहाँ ईसा से 1200 साल पहले यानी आज से करीब 3200 साल पहले की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। साफ है कि कासगंज का इतिहास यहाँ के मिट्टी के नीचे काफी गहरा है और जिसकी पुरातत्व विज्ञान की दुनिया में बड़ी अहमियत है। वैसे आज की बात करें तो कासगंज को फरुखाबाद के नवाब याकूत अली खान ने खोजा था और जिस कासगंज को हम आज देख रहे हैं वो सन 2008 में एटा से अलग होकर बनाया गया था। कासगंज के पूर्व में फरुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में एटा और दक्षिण में बदायूं है। जिले का मुख्यालय कासगंज है। इसका नाम कासगंज इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कास के पेड़ों के जंगल बहुतायत में है। मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज का नाम खासगंज भी रखा गया था। कई मान्यताओं में से एक ये भी है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि भी कासगंज ही है। कासगंज जिले की भौगोलिक स्थिति की वजह से छोटे और पुराने जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जिसमें एटा, अलीगढ़, अतरंजी खेड़ा प्रमुख शहर है। इस वजह से इसे यूपी का उत्तर, पश्चिम और दक्षिण का जंक्शन कहा जाता है। कासगंज क्षेत्र दो चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ गन्ने की भरपूर पैदावार होती है, वहीं न्योली शुगर मिल भी है जो प्रदेश की बड़ी शुगर मिलों में से एक है। सोरोंजी और कछला के घाट गंगा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी आते हैं। कासगंज में काली नदी बहती है, साथ ही यहाँ की मिट्टी खेती के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है। जिले की तीन विधानसभा सीटों में से दो पर सपा और एक पर बसपा का कब्जा है। बिजली और विकास का मुद्दा यहाँ भी हमेशा से कायम है। नेताओं ने वादे तो तमाम किए लेकिन उनके पूरे होने का इंतजार अभी भी है। इस क्षेत्र में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की गर्माहट यहाँ की गलियों में साफ देखी जा सकती है। इसी गर्माहट को टटोलने और जनता के सवालों को आवाज देने के लिए आज हम पहुंचे हैं कासगंज में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, मैं हूं शोभित चतुर्वेदी। ईटीवी के विशेष प्रोग्राम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम मौजूद है कासगंज की धरती पर। आज जनता पूछे कि नेताओं से 5 साल का हिसाब कि क्या उनके वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे हुए, क्या कासगंज का विकास हुआ। हमारे साथ सपा से नेता मौजूद हैं बात रखने के लिए, भाजपा से भी मौजूद हैं, कांग्रेस से भी मौजूद हैं, बसपा के नेता को हमने बुलाया था लेकिन वो इस चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सपा के लोगों से, क्योंकि इनकी सरकार है, 5 साल पूरे होने को आए हैं, कई इनसे इन्होंने वादे किए थे, पूछते हैं क्या रहा, कासगंज को विकास मिला, क्या मिला। कासगंज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएँ चलाई जो पिछली किसी सरकार ने नहीं चलाई, जैसे कन्या विद्यादान है, बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं, उनके मकान बनवाए हैं, जिनके मकान नहीं हैं उनको मकान दिए हैं, सड़कें बनवाई हैं, 4 लेन की स्कीम हमारे कासगंज में चल रही है जो बन रहा है, हमारे बाईपास बना है माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके लिए तमाम पैसा दिया है, हमारा कलेक्ट्रेट बनी हुई है। पिछली सरकार ने जिला तो मंजूर कर दिया लेकिन उसके लिए पैसे का कोई आवंटन नहीं किया। ये हमारी वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पैसा देकर बनवाया, बीच में बच्चों को विद्या कन्या के रूप में लैपटॉप बांटे, इस सरकार ने इतने काम किए, आज तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किए और आगे भी हमारी कार्य योजना बराबर है। निश्चित रूप से अभी 6 महीने बाकी हैं जो अभी एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। कासगंज की 3 सीटों में आपको एक भी सीट आपके पास नहीं है, अब आपका क्या एजेंडा है। वर्तमान में हम भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हमारे जिले की 3 सीटें हैं, तीनों सीटों को जीतने के लिए विकास के मुद्दे पर आए हैं। जो जनता ने अभी तक समाजवादी पार्टी और बसपा के शासन में जो एक अविश्वास के रूप में देखा है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उसको कामयाब दिलाएं। कांग्रेस शीला दीक्षित को लेकर आई है, महिला चेहरा है, आप भी एक महिला हैं, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है, कुछ उम्मीद जगी है इस बार कांग्रेस? कहना चाहती हूँ कासगंज केवल कासगंज नहीं है, एक ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर विश्व विख्यात संत तुलसीदास पैदा हुए हैं, यहाँ हजरत अमीर खुसरो साहब पैदा हुए हैं, यहाँ पर बलबीर सिंह रंग जो गजलकार हैं वो यहाँ से गजल लेकर के पूरे विश्व में गए हैं। खाता खोलेंगे क्या इस बार कासगंज से, लग रहा है?
नहीं, खाता तो कांग्रेस का, कांग्रेस तो सभी लोगों की पार्टी है, जनहित की पार्टी है, वो एक वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात नहीं करती है। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव को हमेशा स्थान देती है। आने वाला जो समय है, जैसा आप कह रहे हैं, उम्मीद जगी है, बिल्कुल हमारे पास अनुभवी लोग हैं, अनुभवी नेता हैं। शीला जी ने जो दिल्ली का विकास किया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि यूपी का विकास वो उसी तरह से करेंगी जैसे उन्होंने दिल्ली को चमकाया है। तीनों नेताओं की आपने सुनी, अब सीधे चलते हैं जनता के पास, क्योंकि जनता जो फैसला करेगी वही सही होगा। क्या समस्याएं देख रहे हैं और कितने वादे नेताओं ने पूरे किए? सपा सरकार ने भी बहुत से वादे किए थे जो पूरे कर चुके हैं, और अभी कुछ ऐसे काम रह गए हैं जो बाकी है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं। कासगंज में 3 विधानसभाएं हैं, एक अलग जिला बना, एटा से कटा, उम्मीद थी विकास होगा, क्या विकास हुआ है वास्तव में? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर कासगंज 0 है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए, औद्योगिक धंधों की स्थापना होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। जरा सा बीमार व्यक्ति को आगरा हायर मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, रास्ते में जाते जाते मरीज दम तोड़ देते हैं। विकास कोई अधिक नहीं है, गुंडागर्दी जिस कदर सपा में हो रही है उसको तो कहीं छोड़ा किया ही नहीं जा सकता, माफ़। गुंडागर्दी बहुत हो रही है, रेप केस अभी अभी बुलंदशहर में हुआ है, वो सभी आप लोगों ने देखा होगा, तो आए दिन रेप केसेस वगैरह खूब हो रहे हैं। अस्पताल में इलाज की बात कर रही है, अस्पताल में इलाज सही से मिलता है क्या? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता है। और क्या होता है वहाँ पर जाते डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स इधर उधर रहते हैं, मौके पर नहीं मिलते हैं, और केस बिगड़ जाता है तब रेफर कर देते हैं अलीगढ़ के लिए, आगरा के लिए, या अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ अब तक, चाहे सपा का शासन रहा हो, चाहे बसपा का शासन रहा हो, जो आम जनता की समस्याओं को किसी भी सरकार ने नहीं देखा, हमेशा उनकी अनदेखी हुई है, क्योंकि जो भी तुरंत समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक मैं आप समझता हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर तुरंत समस्या भी उपलब्ध नहीं है कि हर बात को रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ जाओ। बहुत बड़ी समस्या है, हायर सेंटर बन चुका है कासगंज का जिला अस्पताल। सबसे पहले सपा के ही पास चलते हैं दोबारा जी, आप बताइएगा, कई सारी उंगलियां उठी हैं आपके ऊपर, आपने विकास का कहा, जनता ने नकारा है शायद। एक्चुअली जनता तो, विपक्ष के लोग तो हमेशा उनका काम ही है बुराई करना, हम कितने ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कार्य दें, वो तो कमियाँ निकालेंगे निश्चित रूप से। आदमी काम की तरफ देखे, सरकार शुरू से लेकर आज तक विकास कर रही है, कहीं भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, पिछली सरकारों में मैंने देखा था 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दिया जाता था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 25-25, 50-50 लाख रुपए तक गरीबों की मदद के लिए, या मान लो कोई ट्रेजेडी हो जाती है उसकी हेल्प के लिए देते हैं। तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जो घर घर लोगों को काम पहुँचा रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। सड़कों का तो जाल बिछा दिया है, कोई गुंडा राज कहीं नहीं है, एक सिंगल कोई बताया कि गुंडा राज है। गुंडा राज कह के ये अनावश्यक अपनी कमियों को छुपा के दूसरे पे डालना चाहते हैं। यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई गुंडा राज है, सारी व्यवस्था बड़े अमन चैन से व्यक्ति रह रहे हैं, कोई पकड़ हो गई हो बताओ किसी के, कोई किडनैप हो गया हो, कोई मर्डर हो गया हो। की सरकार है, इस समय मोदी जी ने कई वायदे किए थे, लोग कह रहे हैं पैसे अकाउंट में नहीं आए, 15 लाख का वादा था। सीधा सवाल आपसे है, वायदे बता रहे हैं कहीं पूरे नहीं हुए? मोदी जी के द्वारा किए गए वायदों में सारे वायदे अपने अपने समय पर पूरे हो रहे हैं। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा अब तक जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, इससे पहले केंद्र में जितनी भी सरकारें उनके द्वारा कभी नहीं हो पाई। इन्हें 2 वर्ष लगभग होने में हमारी जो सरकार के द्वारा जो कार्य हुए हैं, आप कभी जनता से छुपे नहीं हैं। आज जितनी भी योजनाएं, जितनी भी हमारी सरकार के द्वारा कार्य हैं, वो सबके बीच में वही वादे हैं, विकास की वही पुरानी बातें हो रही हैं, रटे रटाए से किस्से हैं। कांग्रेस जिसकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है, कोई कांग्रेस के नाम नहीं ले रहा है, जितने भी लोगों से बात की हमने, और फाइट करने आए हैं आप लोग, शीला जी को लेके आए हैं, राज बब्बर को लेके आए हैं, क्या लग रहा है? शहादत कांग्रेस की है, देश की आज़ादी कांग्रेस की देन है, पूरा हिंदुस्तान का विकास कांग्रेस की देन है। 2 साल में आकर के इन्होंने क्या विकास कर लिया? सारा विकास तो कांग्रेस का ही है, ये अपना विकास बताएं कि हमने विकास क्या किया 2 साल में। जो झूठे वादे करके आए कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसी एक किसान का कर्जा माफ किया? आज किसान खुदकशी कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सो रही है, किसानों की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है। 200 करोड़ रुपया इनके पास फालतू पड़ा हुआ है, अगर ये किसानों का कर्ज माफ कर दें तो किसान कम से कम चैन में आए। सरकार बन रही है इस बार आपकी? लेकिन हम सरकार में रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बन रही है, लेकिन कोई सरकार बनेगी। किसके साथ मिलने जा रहे हैं? लग रहा नहीं, पता नहीं, है पहले से ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे बिना सरकार कोई भी नहीं बनेगी। यानी ये तो मानते हैं कि ये सत्ता में पूरी तरीके से नहीं आएंगे, लेकिन सरकार बनाएंगे जी। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं जी। आप बताइएगा, आप भी कासगंज के नुमाइंदे हैं, यहाँ रहते हैं, क्या समस्याएं फेस की और कितना विकास हुआ, क्या लगा?
विकास के नाम पर अगर विकास हुआ है तो इटावा का हुआ है और विनाश हुआ है तो सबका हुआ है। यहाँ अगर पूरे उत्तर प्रदेश के हालात के अगर आकलन किया जाए तो आज अल्पसंख्यक को इस स्तर पर पहुंचा दिया गया है कि वो शेष लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय इस समय बहुत बुरी तरह से हावी है, गुंडा एलिमेंट बहुत बुरी तरह से हावी है, जिसका गुंडा एलिमेंट का तो ये हो गया है कि दिन दहाड़े लोगों की लूट हो रही है। यहाँ का विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है वो तो जनता जानती है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वाधिक विकास हो रहा है वो उन तत्वों का विकास हो रहा है जो जुआ खेलते हैं, खिलवाते हैं, सट्टेबाजी बहुत बढ़ गई है, रंगदारी बढ़ गई है। और जहाँ तक समाजवादी के हमारे जो माननीय नेताजी कह रहे थे कि कोई पकड़ हुई है, पकड़ की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो दिन दहाड़े लूटा जाता है, 6 लाख 10 लाख दिन दहाड़े लूट हो रही है। कासगंज जिला बनने से ऊपर लोगों की अपेक्षा थी कासगंज जिला बनने के बाद कुछ विकास होगा, लेकिन कासगंज जिला बनने के बाद विकास तो नहीं हुआ, विनाश हुआ है। यहाँ पर आज तक किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी शहर के विकास के लिए दो प्राथमिकता रह रहती हैं, एक तो शैक्षिक विकास और एक चिकित्सा विभाग। दोनों ही मामलों में कासगंज बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसा कि अभी बताया गया, हमारा जिला केंद्र होने के बावजूद भी वहाँ कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वहाँ मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। किसी भी पार्टी ने विकास किया क्या कासगंज? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अभी तक अगर कोई विकास बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, उस समय यहाँ पर विकास हुआ था। चुनाव नज़दीक है, क्या हुआ 5 साल में, क्या जवाब मांगते हैं? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है कासगंज में, बिल्कुल ना के मुताबिक। और उसके अलावा गुंडागर्दी बहुत हुई है, जगह जगह लूट हो रही हैं, दुकान पर चोरियां हो रही हैं, ताले कट रहे हैं, माल पकड़ा जा रहा है, उल्टा सीधा काम हो रहा है। जिस प्रदेश के अंदर बिजली नहीं है वहाँ पर विकास नहीं है, उद्योग धंधे चौपट हैं, हम तो व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी पलायन कर रहा है। आप चले जाइए राजस्थान में, MP में, गुजरात में, वहाँ 24 घंटे लाइट आपको उपलब्ध है, यहाँ पर 18 घंटे और 20 घंटे की बात की जाती है लाइट देने की, आवंटित है हमारे शहर के लिए, लेकिन हमें 12 से 13 घंटे भी लाइट बहुत मुश्किल मिल पाती है। तो कह रहे हैं कि हमने पूरी लाइट दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं लगातार। नहीं, अभी आप जब यहाँ पर आए थे तो आपको जनरेटर चलाना पड़ा, अगर यहाँ लाइट 24 घंटे हमें मिलती होती तो जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी आप बाजार में चले जाइए, आपको सबसे ज़्यादा दुकानें मिलेंगी बैटरी और इन्वर्टर की। तो जब हमारे पास बिजली नहीं है तो हम व्यापार और उद्योग धंधे किस तरह से चला पाएंगे, ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। और दूसरी वाली जो बात है, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है उसको काफ़ी सुधारने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है, युवा नेतृत्व है, हम उनकी शासन की मंशा कहीं पे ख़राब नहीं है, लेकिन नीचे पे जो सरकारी मशीनरी है वो उस स्तर पर सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही है, जिसका लाभ जनता को डायरेक्ट मिल सके। तो सवाल सपा पर उठ रहा है, भाजपा पर उठ रहा है, दोबारा चलते हैं नेताओं के पास और जानते हैं कि जो लोग कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि खरा नहीं उतर पाए, कई समस्याएं हैं। फिर से एक बड़ा सवाल है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, रेफर सेंटर बन चुका है, सड़कें बेहाल हैं, पानी भर जाता है, गड्ढे हैं, बिजली आती नहीं है, क्या जवाब है? बिजली हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली के अक्टूबर से आदेश दिए हैं, 2 अक्टूबर के बाद से प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिलेगी, और इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं 20 घंटे बत्ती मिलने के। किसी किसी क्षेत्र में कमियां यदि हो तो बत्ती कम हो जाती है, अदरवाइज तो 18 से 20 घंटे बत्ती बराबर मिल रही है हमारे यहाँ। शिक्षा की बात है, यहाँ कहीं MTech कॉलेज भी खुले हुए हैं, MBA के भी खुले हुए हैं, लेकिन चूँकि बच्चे यहाँ से पढ़ के सीधे दिल्ली जाते हैं, यहाँ बड़े हैं, स्कूल मैंने देखा है खाली पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, दसियों डॉक्टर हैं, लेकिन वो अच्छी सुविधा चाहते हैं इसलिए दूसरे के चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ की वो चूँकि फ्री की है, कम पैसे की है, इसलिए वो लेना नहीं चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि हम विकास लगातार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है व्यापारी वर्ग जिसने एक बड़े तादाद में वोट दिया मोदी सरकार को, सरकार बनाई, आज वो भी परेशान है। सीधा सवाल आपसे है, व्यापारी खफा है, व्यापारी नाराज हैं, आपने अभी सुना लोग पलायन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की बात की जा रही है, कितना सही उतरी, कितनी उम्मीदों पर उतरी है खड़ी सरकार? अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की योजना बनी चुकी है जिसकी यहाँ स्वीकृति हो चुकी है, और रही बात विकास की और पलायन की, वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे लोकसभा के अंदर एटा कासगंज लोकसभा को मिलाकर 732 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, जो आज से पहले किसी सरकार के द्वारा नहीं सोचा गया, जिन 732 गांवों में दिसंबर तक विद्युतीकरण हो जाएगा,
ऐसे गांव थे जहां आज तक लाइट ही नहीं पहुंची, जिन्होंने कभी विकास के नाम पर कुछ नहीं देखा। केंद्र सरकार के द्वारा इन योजनाओं को पंडित दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना के अंतर्गत उनको वहां पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा की अपनी बातें हैं, कांग्रेस की अपनी है, सपा की अपनी है, दोबारा जनता के पास चलते हैं। पंजा बना हमारी यहाँ की जनता की मांग भी थी, अच्छा हुआ। और उसके बाद विकास जिस गति से होना चाहिए, आज 5 साल होने जा रहे हैं अखिलेश को आए हुए, और यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह कुछ भी अभी काम करने की स्थिति में नहीं है। नगर पालिका में सब कार्यालय चल रहे हैं ठीक। आज हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि उंगली कट जाएगी तो रेफर अलीगढ़ आगरा, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं है। जुकाम हो गया तो अभी कोई इलाज नहीं है, जुकाम तक का इलाज नहीं है, ये बड़ा सवाल है। ये विकास के नाम पे तो सब जीरो है, सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे है। अब यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल के नाम पे वो रेफर अस्पताल हो गया है। वहाँ आप जाएँ तो वहाँ जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एड भी मिलना चाहिए वो तक नहीं मिलता है, बस जाएँ लिखवाएँ रेफर कराएँ। जी आप बताइएगा, क्या विकास हुआ है? विकास रोजगार से होता है। क्या सपा सरकार ने रोजगार दिए हैं? जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं सबसे पहले स्टे हो जाती है या फौरन निरस्त हो जाते हैं। एक सपा सरकार ने अगर भर्ती दी हो तो बता दिया, और जो मिलती है वो कब हो जाती है पता नहीं चलता। युवा रोजगार बिल्कुल ठगा गया है। आने वाले टाइम पर ऐसा लग रहा है कि क्या करेंगे पढ़ के सर। देखिए, अगर बात कही जाए विकास की तो विकास हुआ है, ये बात फैक्ट है, लेकिन गांव में कुछ गांव ऐसे हैं जो लाइट से वंचित हैं। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो लाइट से काफ़ी परेशान हैं। फिर से सपा के पास चलते हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, कहीं कोई कह रहा है बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कोई कह रहा है विकास हुआ है, क्या मानते हैं? बहुत विकास हुआ है। पिछली सरकारों ने जो हमारे भ्रष्टाचारी फैला रखी थी, चाहे वो नियुक्तियों में हो, कर्मचारियों की हो, हमारी सरकार उनको धो धो के साफ करके नए सिरे से उनको रोजगार दे रही है। केंद्र सरकार ने हमारे सराफा व्यवसायियों का पहले मैटर था, इतने दिन हड़ताल करी, बिल्कुल सुन के नहीं दी। मानव संसाधन मंत्री महोदय ने जो 60,000 रुपये फीस लगती थी 2.5-2.5 लाख रुपये का फीस कर दी। मेरी बच्ची अभी IIT में, उसने किया है तो मुझको 2,75,000 का पेमेंट करना पड़ा। जो पिछली सरकारों में मात्र 35,000 रुपये थे उसकी जगह मुझे 3 लाख रुपये खर्च करना पड़ा। केंद्र की सरकार तो दिन ब दिन बढ़ाए चली जा रही है, ऐसे खाते से जोड़ दिया है जो व्यक्ति साला एक कोई काम ही नहीं कर सकता। अभी हमारे साथी ने हमारे सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सराफा व्यवसायियों के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा 1 महीने हड़ताल के बाद भी कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या एक ग्राहक को अपने ग्राहक होने का पक्का बिल लेने का कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर ग्राहक आपसे पक्का बिल मांगता है और आपसे क्वालिटी मांगता है, जो उसको सामान दे रहे उसकी क्वालिटी क्या है, क्या ये गुनाह है क्या? अगर ग्राहक इस चीज़ को मांगता है उसका अधिकार है, तो निश्चित है व्यापारी वर्ग को ये भी सोचना चाहिए कि उसके अधिकार का हमें पालन करना चाहिए। आपकी बात कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता, आपके पास कई सारे मुद्दे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जब से शासन में नहीं है तब से कोई बिजली घर नहीं बना बड़ा, जिससे कि देश की सबसे बड़ी विकराल समस्या है बिजली। बिजली अब जीवन की सार्थकता लगती है कि बिना बिजली के जीवन अधूरा लगता है। पानी तो बिजली से, सफाई तो बिजली से, हर काम बिजली है। प्राथमिकता के आधार पर बिजली की व्यवस्था यूपी के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन कासगंज के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। कासगंज एक ऐसा नगर है जो एक ऐतिहासिक है, और कांग्रेस के टाइम में यहाँ झंडा आंदोलन हुआ था। यहाँ से आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई लड़ी थी इसी पार्क से शुरू की गई थी। प्रभु पार्क में नेहरू और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री ने यही मीटिंग की थी, इसलिए। और ये विकास चाहता है नगर। समाजवादी पार्टी के समय में यहाँ बिजली की वो अव्यवस्था रही है कि जनता त्राह त्राह कर गई है, लेकिन मोदी जी ने हर गांव में बिजली पहुँचाने का जो 2 वर्ष में काम किया है, दिसंबर 2016 तक गांव की कोई भी नंगला भी बाकी नहीं रहेगा जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी। सर, विकास के नाम पे तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, एज अ यूथ मैं कहूँगा आपसे। बाकी इस सरकार में करप्शन बहुत है, ऊपर तक ये वाली जो सपा सरकार है वो करप्ट है, पूरे गले तक करप्शन भरा हुआ है इसके। यहाँ तक कि ये पुलिस वाले, नॉर्मल एक कॉमन मैन को भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। एक छोटा सा काम उसके लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस वालों से डर लगता है, हम अपनी जाके समस्याएं नहीं बोल पाते हैं उनसे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस काम के लिए भी, हमारा काम निकालने के लिए भी हमसे रिश्वत मांगे, और हम सरकार को वोट इसीलिए नहीं देते हैं कि हमें बाद में रिश्वत देना पड़े। यहाँ सरकार जो भी 27 साल में रही है उसने बेमनस्ता दी है जातिवाद और धर्मवाद की। विकास का तो कोई नाम ही नहीं है, बिजली घर कोई नहीं बनाया उन्होंने,
कोई नई मतलब जैसे योजना नहीं लाए। अभी माननीय हमारे अखिलेश जी हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनके यहाँ भी परसों अतर से चोरी हुई है, उसके बाद सरकार की तारीफ में करेंगे। विकास की अगर बात करूँ तो मुझे तो कहीं से कोई विकास लगता नहीं है, क्योंकि आज मैं एक कॉन्ट्रेक्टर लाइन से हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि जब टेंडर पड़ते हैं तो एक विशेष पूरे यादव वहाँ पर जाके पहुँच जाते हैं, वहाँ पर एक तरह से छत्र राज करते हैं, वहाँ किसी की चलने नहीं देते हैं, वो जो चाहते हैं उसी को काम मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई विकास हो रहा है। कुछ विशेष लोग की चलती है टेंडर प्रक्रिया में, अन्य चीज़ों में ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत संक्षेप में बताइएगा, कई सारे आरोप लगे, विकास की बात भी हुई है कि विकास भी किया है सरकार ने, क्या मानते हैं? जितना विकास हमारे इस सरकार ने किया है, मेरे ख्याल में मेरी 59 साल की उम्र है, मैंने पिछले 54 साल में कभी नहीं देखा इतना विकास इन्होंने किया है। जिस तरफ देखो विकास ही विकास है, सड़कें, स्कूल, पढ़ाई, सर्वे, नौकरी किसी सरकार ने नहीं दी जो इस सरकार ने। आपने विकास किया, भाजपा के पास सीधा सवाल, आप बताइए क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, क्या रहेगा प्रदेश में? आज जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कहती है कि विकास हुआ है, हाँ हुआ है, उनके नेताओं का विकास हुआ है, अगर हुआ है तो उनसे जुड़े अधिकारियों का विकास हुआ है। जनता से आप पूछ के देख सकते हैं कि प्रदेश का कितना अच्छा हाल है, आप आज किसी भी जगह जाकर देख सकते हैं। अभी हमारे पास में ये गांव है नगरिया के पास में, उन गांव में अभी लगभग हमारे देश को आज़ाद होने जा रहे 70 साल होने जा रहे, आज तक वहाँ रोड नहीं बनाए, 70 वर्ष से एक भी व्यक्ति कोई रोड नहीं बना पाए किसी सरकार के द्वारा, और लगभग पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ पर सरकारें बसपा और सपा की आती रही हैं, लेकिन आज तक उस रोड का किसी ने नाम नहीं लिया है। आपसे अंतिम सवाल, क्या इस बार हुंकार भरेगी कांग्रेस और क्या कोई उम्मीदीकरण जगेगी? बिल्कुल कांग्रेस हुंकार भरेगी, और अभी लखनऊ में जो 29 तारीख को रैली हुई थी वो नज़ारा देखने लायक था, लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई जो बरसों से नहीं हुई थी, वो अब कांग्रेस ने अपना हुंकार भरना शुरू कर दिया है। एक बात और कहना चाहती हूँ, भाजपा सरकार उद्योगपतियों का तो भला कर सकती है लेकिन गरीब किसान का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया था मोदी जी ने, जितना हम लोगों पर उसके अनुसार कई प्रदेशों से कांग्रेस गायब हो गई है, ये क्या? नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने सफाई अभियान भी चलाया था, देखा था आपने, हर भाजपाई के हाथ में झाड़ू थी, आज वो झाड़ू कहाँ है, शहर नगर सारे गंदगी सटे हुए। अब सफाई किसकी होने वाली है? अब वो प्रदेश में घूम रहे हैं, उसमें भारत में है ही नहीं, तो भारत में रहेंगे तो सफाई देखेंगे, अब उनको सफाई देखने का मौका ही कहाँ। ये कासगंज की ऐतिहासिक धरती है, ये वो भूमि है जहाँ कई वीरों ने जन्म लिया, एक जिला बना, लोगों को उम्मीद थी कि विकास होगा, उनका तो विकास नहीं शायद हो पाया पूरी तरीके से, कई समस्याएं आज भी वैसी बनी हुई हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2017 में सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन बंटी के साथ शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज़, कासगंज।